प्यार, डिप्रेशन और ऑब्सेशन, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। एक लड़का मेरे पास में आया, करीब करीब 30 साल की उम्र, उसको प्रॉब्लम था IBS का, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट ठीक नहीं है, ढका रहना, एसिडिटी होना, ऐसे अलग अलग पेट के, मतलब पेट फूल जाना, और उसके लिए वो नागपुर ट्रीटमेंट करने के लिए गया। नागपुर अपने कजिन भाई जो है उसका, चाचा का लड़का, उसके पास में वहाँ रहने के लिए गया और वहाँ रह के वो डॉक्टर के पास में इलाज करने के लिए जाता था। भाई ऑफिस में गया कि उसकी बीवी और ये दोनों घर में रहते थे, उनका प्यार हो गया। अब वो प्यार धीरे धीरे बढ़ते गया, वो भाई को भी मालूम पड़ा कि कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है, ये इलाज करने वहाँ बैठा है, अब प्यार हो गया तो इलाज भी नहीं हो रहा, क्योंकि अभी इलाज कुछ भी किया तो भी उसका पेट ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि अभी अलग पेट दुखना चालू हो गया, क्योंकि अभी उसको लगा कि नहीं अभी यहाँ बातचीत हो रही है, गप्पे हो रहे, खा रहे पी रहे और बीमार है करके यहाँ रह रहा। मगर अल्टीमेटली उसको वहाँ से मतलब निकलना पड़ा कि अभी महीना हो गया, अभी कितने दिन रहेगा। वापस घर जाने के बाद में वहाँ से फिर भाभी के साथ में व्हाट्सएप मैसेजेस चालू, बातचीत करना चालू, और काफ़ी वो इन्वॉल्व हो गया उसमें। अभी उसमें उनके फोटो, जो मतलब जो फोटो शेयर नहीं करना चाहिए या अश्लील फोटो जो है, वो भी एक दूसरे के फोटो शेयर कर रहे, बातचीत कर रहे। बीच में फिर इसकी शादी तय हो गई ये लड़के की। अब शादी तो उसको करना ही था क्योंकि वो तो भाभी थी अल्टीमेटली, तो शादी किया। मगर शादी के बाद में भी उसका उसके साथ में संपर्क चालू था, बातचीत करना चालू था, कभी जाना नागपुर में मिलना जुलना वो चालू था। एक दिन क्या हो गया कि उसका वो फोन जो है वो उसके मिसेज के हाथ में लगा और वो लॉक नहीं था, हाथ में लग गया तो उसको पूरा सब दिख गया, सब फोटो दिख गए, व्हाट्सएप मैसेजेस, हम पूरा भंडा फोड़ हो गया। घर में बहुत तमाशा हो गया, घर के लोग काफ़ी बोलने लगे, और फिर भाई भी एकदम जब आंग पे आया, मतलब मारामारी तक काम आ गया। और बाद में फिर उन्होंने बोला कि ठीक है अभी जो हो गया हो गया, अभी बंद कर डालो सब। मगर अभी इसको प्रॉब्लम ये हो गया कि बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ गया कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। खाना नहीं, पीना नहीं, नींद नहीं, वाइफ के साथ में ठीक संबंध नहीं, वाइफ भी उसके साथ में बहुत झगड़ा करती छोटी सी बात के ऊपर, और बार 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 उसको भाभी के विचार आ रहे, इतने बार बार उसको विचार सता रहे कि उसको लगता है कि एक बार तभी मैंने उससे बात करना चाहिए, एक बार तभी व्हाट्सएप उसने मेरा मतलब व्हाट्सएप का जवाब देना चाहिए, एक बार तभी फ़ोन उठा, बस एक बार बोले, वो घर में बोलता था नहीं मेरे को, एक बार तभी बोलने तो मेरे को ठीक लगेगा। मतलब उसको इतना वो बार 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 विचार सताता था, और उसके साथ साथ खाने की इच्छा नहीं, नींद नहीं, काम पे जाना नहीं, पेट का जो प्रॉब्लम था IBS का ओरिजिनल, वो ज़्यादा बढ़ रहा है, और उसको पेट के भी मतलब पेट फूल जाना, एसिडिटी होना, वो भी बहुत ज़्यादा होता था, और बहुत ही नर्वस, सैड, दुखी है, और उसको लगता कि बार बार कभी मैंने सुसाइड करना चाहिए। जब मैंने उसको काउंसलिंग के लिए टाइम दिया और काउंसलिंग किया, तो उसको बोला कि अभी तेरे सामने है क्या, अभी यह है कि भाई तेरी मिसेज घर पे है, तू उसके साथ में रहता है, वो उधर है, वो भाई और वो उनका अच्छा चल रहा है अभी बराबर, अभी तुझे ऐसा लगता है कि उसने मेरे को फ़ोन करना चाहिए, उसने फ़ोन लेना चाहिए, वो अभी नामुमकिन है कि उसने ब्लॉक कर दिया है, उसको स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया है कि अभी तूने फ़ोन लेने का नहीं करके, वो इसका फ़ोन लेती नहीं, ना व्हाट्सएप को जवाब देती है, उसने ब्लॉक कर दिया उसको, तो अभी तुम्हारे सामने क्या है, अभी तो यही है ना कि भाई अभी जो है उसका सामना करो। तो उसको रैशनल इमोटिव थेरेपी है वो दिया मैंने, उसको सेल्फ हिप्नोसिस के सेशंस दिए, और उसको काफ़ी मतलब काउंसिलिंग के माध्यम से उसको समझाया कि भाई जो घटना हुई वो हुई, वो पास्ट में हुई, वो अतीत में हुई, अभी हो रही क्या, हो अभी नहीं हो रही, अभी क्या है, अभी तेरे दिमाग में आ रहा है कि मैंने वो फ़ोन लॉक क्यों नहीं किया, वो अनलॉक कई मतलब कैसा रखा, वो अनलॉक कैसे हो गया, उसकी वजह से मेरे वाइफ को वो सब फोटो दिख गए और सब भंडा फोड़ हो गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं कैसा कमीना आदमी हूँ, मेरे को ऐसा मतलब उससे मैंने ऐसे संबंध नहीं रखने चाहिए थे, और मैं ठीक आदमी नहीं हूँ, ऐसा भी लगता था उसको, तो मतलब ऐसे विचार जो आ रहे कंटिन्यूसली, वो एक उसके बारे में सब कॉन्वर्जेशन दिमाग में चल रहे, सब बातें चल रही, सब कहानियाँ चल रही, और उससे तो डिस्टर्ब हो रहा है कि एक तो मैं अच्छा नहीं हूँ, और उसने मुझे अभी भी थोड़ा संपर्क तो करना चाहिए, अभी मैं इतना ख़राब नहीं करूँगा, मगर उसने बातचीत करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, मतलब उसको यहाँ तक था, तभी वो संभव नहीं है, अभी तो ख़त्म हो गया, तो अभी क्या करना चाहिए, जो भी है वो ये है, अभी तुमको ये सामना करना ही पड़ेगा इसका, और अभी संभल गया, मारपीटी नहीं हुई, खून खराबा नहीं हुआ, तो अच्छा है वो, नहीं तो घर के घर में प्रॉब्लम होता था। और इसमें से संभालना और अपना जीवन ठीक तरह से करना, बस यही आपके सामने है,
अभी भी तू अपने वाइफ को पूरा जो भी हुआ वो अभी पूरा बताया नहीं है, अभी उसको बता दे, उससे माफी मांग, उसको प्रॉमिस कर कि अभी जो भी हो गया वो गलत किया और अभी नए जीवन की शुरुआत कर। तो रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी में जब उसके साथ में सेशंस मैंने किए, रिलैक्सेशन के सेशंस उसको दिए, एंटी डिप्रेसेंट्स गोलियां दिया क्योंकि उसमें उसको नींद नहीं आ रही थी, खाना नहीं थक रहा था, तो कुछ एपेटाइजर्स दिया उसको, एपेटाइट स्टिमुलेंट्स दिया और उसको धीरे 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 बाहर आ गया। कहने का मेरा मतलब ये है, इसमें एक ही है कि भाई इसमें नहीं गिरना, मतलब ये काम नहीं करना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये उसमें अच्छा है। क्योंकि अभी अच्छा तो हो गया हो मगर उतना अच्छा नहीं हुआ जितना पहले था, फुल्ली सेल्फ एक्सप्रेस, फुल्ली ऐसा फ्री या फ्रीडम मिला ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है कि टाइम लगेगा, हो सकता है 4-6 महीने लग जाएंगे, मगर मैंने उनके घर वालों को बुलाया, उनको बोला कि इसके तरफ ख्याल दो, कुछ कम ज्यादा करेंगे, खुदकुशी करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर ऐसे लोगों को शेयर करो जो आपको मालूम है कि जो ऐसे इसमें प्रॉब्लम में है, फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल सकते, उनको ये वीडियो काम का हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Oh, 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 o